गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। आज हम बहुत कॉमन सिम्टम जिसे सीने में जलन कहते हैं या ऊपर इधर खाने की नली में जलन कहते हैं, उसकी हम आज साइंटिफिक एनालाइज करेंगे। आज हम एनालिसिस करेंगे कि हार्ट बर्न एक्चुअली क्या है। अगर हम हार्ट बर्न को ध्यान से देखें तो हार्ट बर्न है खाने की जो थैली है इससे एसिड का खाने की नली में आ जाना। एसिड खाने की नली में आएगा तो आपको जलन महसूस होगी। अगर एसिड आपको बार बार फ्रीक्वेंटली आएगा तो कुछ और प्रॉब्लम्स होंगी। आपके खाने की नली में इंफ्लेमेशन हो जाएगा, आपके खाने की नली में इरिटेशन होगा, आपके नली में बर्निंग का सेंसेशन होगा, आपके खाने की नली में दर्द हो सकता है। इन आपको वैरायटी ऑफ सिम्टम्स हो सकते हैं, इंक्लूडिंग इरोजन ऑफ द टूथ, भले इवन जो आपके दांत हैं उनमें भी इरोजन हो सकता है अगर आपका खाने की जो नली है उसमें बार बार एसिड आता है तो। नाउ क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज इट, ये है क्या वास्तव में? देखिए, ऑकेजनल जहां तक सीने में जलन है वो किसी को भी हो सकती है। आपने एक हैवी मील खाया, आपने एक ऑयली मील खाया, आपने एक लेट नाइट डिनर किया, तो ये कभी कभार जो ऑकेजनल हार्ट बर्न है या सीने में जलन है वो किसी को भी हो सकती है। लेकिन अगर ये फ्रीक्वेंटली होती है या ये डेली होती है तो फिर ये किसी ना किसी समस्या के संकेत है। एंड जो सबसे कॉमन जो प्रॉब्लम है जिसके चलते ये प्रॉब्लम होती है, दैट इज बेसिकली GERD, दैट इज गेस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, जिसमें खाने की थैली का जो एसिड है वो खाने की नली में आ जाता है। बट आपको समझने की जरूरत है कि सामान्यतः जो सीने की जलन है ये कॉमन प्रॉब्लम है एंड कॉमन ट्रीटमेंट है, इन द सेंस कि अगर आप लाइफस्टाइल चेंज करते हैं, आप अपनी डाइट को मॉडिफाई करते हैं, आप कुछ बाजार में मिलने वाली दवाइयां जैसे एंटासिड्स हैं उन्हें यूज करते हैं या आप कुछ प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन यूज करते हैं तो इस सिम्टम से बहुत आसानी से छुटकारा पाया जा सकता है। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि ये प्रॉब्लम बहुत सीवियर एंड रिकरेंट हो जाती है तो कभी कभी आपको एंडोस्कोपिक थेरेपी करानी पड़ जाती है। इन कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें कभी कभी सर्जिकल इंटरवेंशन की भी जरूरत पड़ती है, जिनकी हम बाद में बात करेंगे। नाउ लुक एट द सिम्टोमेटोलॉजी के वास्तव में सिम्टम्स क्या है। देखिए, कभी भी आप जब हैवी मील लेते हैं तो उसके बाद इस तरह का सिम्टम एक्सपीरियंस होना कोई अनयूजुअल बात नहीं है, इट्स ए वेरी कॉमन प्रॉब्लम। एक्चुअली हमारे खाने की जो थैली है, खाने की थैली से एक जलन का सेंसेशन आएगा जो खाने की नली में चढ़ेगा। खाने की नली में चढ़ेगा तो ये यहां तक आएगा एंड गले तक आपको खाने की नली में जलन महसूस होगी। कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि जो पानी जैसा आपको खाने की नली, सांस की नली के बीच में यहां तक महसूस होने लगे, जिसके चलते आपको अचानक खांसी भी हो सकती है। कभी कभार ऐसा हो जाता है कि खट्टा पानी आपके मुंह में आ जाता है। कुछ लोगों का ऐसा एक्सपीरियंस है कि अगर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है तो जो खट्टा पानी है वो नाइट टाइम में गले में भी आता है, नाक में से तक निकल जाता है। तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि जो आपका सीने में जलन है उसके अंदर जो एसिड आ रहा है उसकी मात्रा कितनी है, उसका प्रेशर कितना है और उसकी सीवियरिटी कितनी है। जितने भी सिम्टोमेटोलॉजी है, साइंस ऐसा मानती है मोस्ट ऑफ द टाइम ये लेटने से हमेशा बढ़ती है, और लेटने में भी राइट साइड अगर आप लेटते हैं तो इसके हमेशा बढ़ने की ज्यादा संभावना होती है। आप जब बेंड करते हैं आगे की तरफ तो भी इसके बढ़ने की संभावना होती है। नाउ कभी आपको ऐसा सेंसेशन होता है और कभी आता भी है कि फूड वास्तव में लगता है कि मुंह में आ जाएगा एंड एट टाइम्स वास्तव में मुंह में खाना वापस आ भी जाता है। सिम्टम्स जो है यूजुअली खाने के बाद आते हैं, ये कुछ देर रह सकते हैं या काफी देर रह सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि इसका जो ना वाल्व कितना लूज है और प्रेशर इसके अंदर कितना है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि सिम्टोमेटोलॉजी कभी कभी रात में आती है, रात में आती है तो यहां जलन तो पड़ती है, कुछ खट्टा पानी आपके गले तक में आ जाता है, आपकी नींद खुल जाती है, आपको नींद आने में प्रॉब्लम होती है और कभी कभी इतनी प्रॉब्लम होती है कि वास्तव में आपका जो नेक्स्ट डे है पूरा का पूरा स्पॉइल हो जाता है। नो, अगर हम सीने की जलन को देखें या हार्ट बर्न को देखें तो हार्ट बर्न को आप जस्ट एक सिम्टम मान के मत चलिए। देखिए, जो हार्ट बर्न है ये एसिड के चलते होता है, दैट इज फैक्ट। लेकिन बार बार अगर एसिड आपकी खाने की नली में आएगा तो ये खाने की नली को डैमेज करेगा। अगर खाने की नली को डैमेज करेगा तो आपको समझने की जरूरत है कि देयर आर सर्टेन प्रॉब्लम्स व्हिच कैन कम अप। अगर ये बार बार डैमेज होगी खाने की नली तो आप बैरेट्स ईसोफेगस डेवलप हो जाएगी। जो बैरेट्स ईसोफेगस है वास्तव में प्री कैंसरस कंडीशन मानी जाती है। आपको इरोजिव ईसोफेजाइटिस डेवलप हो जाएगी, आपकी जो खाने की नली है उसमें कई सारे छाले, घाव, जख्म इस तरह के हो जाएंगे। आपको ईसोफेजियल स्ट्रिक्चर हो सकता है, अगर बार बार जख्म होंगे तो समय के साथ उनकी जो हीलिंग होगी तो आपकी जो खाने की नली है वो थोड़ी सी टाइट हो जाएगी, नैरो हो जाएगी। ये नैरो हो जाएगी तो खाना खाने में दिक्कत होगी क्योंकि खाना पास होने में डिफिकल्टी होती है। दिस इज नोन एज
ईसोफेजियल स्ट्रिक्चर। एंड सबसे ज्यादा डर इस चीज का है कि अगर बार बार रिफ्लक्स होगा, बार बार ईसोफेजाइटिस होगी, आपको बैरेट्स ईसोफेगस डेवलप होगी, तो आपको रिस्क ऑफ ईसोफेजियल कैंसर बढ़ जाती है। तो इस चीज को आपको समझने की जरूरत है। तो अगर आपको सीने में जलन है, सीने में जलन आपको फ्रीक्वेंट हो रही है, सीने में जलन लंबे समय से चल रही है, सीने की जलन आपको रात में भी परेशान करती है, तो शायद समय आ गया है कि आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है। नाउ मोटे तौर पे इसके काजेस को समझने की कोशिश करिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि खाने की जो नली है और खाने की जो थैली है, इसके बीच में एक वाल्व होता है। ये जो वाल्व है एक्चुअली वन वे ट्रैफिक है। मैं यहां से खाता हूं तो इस वाल्व में से नीचे की तरफ तो जाता है, लेकिन पलट के नीचे से ऊपर की तरफ नहीं आ सकता, क्योंकि नेचर ने इसे वन वे वाल्व बना के छोड़ा हुआ है। लेकिन किसी भी कारण से अगर ये वाल्व डैमेज हो जाए और या इसका जो मूवमेंट है वो इन अप्रोप्रिएट हो जाए, तो खाने की नली में जो मटेरियल है दैट इज एसिड, वो बेसिकली ऊपर की तरफ आने लगता है और हमारी खाने की नली में आ जाता है। और जब खाने की नली में आएगा तो खाने की नली को डैमेज करेगा, खाने की नली में सिम्टम्स देगा, और एसिड ज्यादा आएगा तो गले तक आ जाएगा। ये बेसिकली इज द रीजन जिसके चलते ये प्रॉब्लम होती है। नाउ लुक एट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलनेसेस, टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स जिसमें आपको सीने में जलन आ सकती है। जैसा मैंने कहा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, जिसमें कि वाल्व डैमेज हो जाता है, ओपन हो जाता है, तो खाने की नली से जो एसिड है वो खाने की नली में आ जाता है, दैट इज GERD। नाउ द सेकंड प्रॉब्लम इज डाइजेस्टिव मोटिलिटी प्रॉब्लम। अगर आपकी जो खाने की थैली है उसकी स्पीड कम है, तो मैंने जो खाना खाया वो खाने की थैली में तो गया, लेकिन खाने की थैली से आंत में जाने वाला जो टाइम है वो इंक्रीज हो गया। सामान्यतः ऐसा माना जाता है कि जो भी मैं खाना खाता हूं वो 3 से 4 घंटे में खाने की थैली से आगे बढ़ जाता है, बट देर आर सर्टेन प्रॉब्लम्स जिसमें कि ये जो टाइम ड्यूरेशन है ये हमेशा बढ़ जाता है। अगर खाना ज्यादा देर तक खाने की थैली में रहेगा तो ये जो वाल्व है इसके ऊपर प्रेशर मेंटेन करेगा, और प्रेशर मेंटेन करेगा तो इसके ऊपर की तरफ आने का हमेशा खतरा बढ़ जाता है। ये जो खाने की थैली में प्रॉब्लम है, दिस इज नोन एज गैस्ट्रोपरेसिस और स्लो स्टमक एम्प्टाइंग। इट इज सीन ऐसा होता है कि ये वास्तव में बैक प्रेशर क्रिएट करता है, एसिड रिफ्लक्स होता है और आपको खाने की नली में जलन होने लगती है। नाउ देयर आर सर्टेन अदर प्रॉब्लम्स व्हिच आर लिंक्ड विद द सीने में जलन या हार्ट बर्न। अगर आपको हाइटस हर्निया है तो आपको सीने में जलन होगी। अगर आपको ब्रोंकियल अस्थमा है, उसकी आप मेडिकेशन ले रहे हैं, तो आपको सीने में जलन होगी। आपको डायबिटीज मेलाइटिस है, लंबे समय तक है, आपको गैस्ट्रोपरेसिस डेवलप हो गई, तो आपको सीने में जलन होगी। नाउ लुक एट दी प्रेशर ऑन दी स्टमक। किसी भी कारण से स्टमक के ऊपर प्रेशर आया, इन द सेंस कि आप बहुत मोटे हैं तो आपके स्टमक के ऊपर प्रेशर होगा, तो खाने की जो थैली और नली के बीच का वाल्व है वो बेसिकली लेक्स हो जाएगा और एसिड ऊपर की तरफ आएगा। अगर आपको प्रेगनेंसी है, आप वेट लिफ्टिंग करते हैं, या आपको बहुत टाइट जो है एब्डोमेन पर क्लोथ्स या बेल्ट पहनने की आदत है, तो भी पॉसिबिलिटी इस चीज की है कि ये एसिड चढ़ के खाने की नली में आएगा एंड आपको सीने में जलन होगी या हार्ट बर्न होगा। बट देर आर सर्टेन मेडिकेशन विच आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड। अगर आप पेन किलर्स यूज करते हैं NSAIDs, तो दे आर दी मेडिसिन जो आपको सीने में जलन ला सकती हैं। अगर आप एंटीबायोटिक्स पर हैं, पर्टिकुलरली क्लेरिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, द ग्रुप ऑफ मेडिकेशन जो आपको सीने में जलन ला सकती हैं। अगर आप रेगुलर स्टीरॉयड लेते हैं फॉर एनीथिंग लाइक अस्थमा, अल्सरेटिव कोलाइटिस, आर्थराइटिस, अगर आप स्टीरॉयड जैसे मेडिसिन लेते हैं तो आपको सीने में जलन या हार्ट बर्न होगा। अगर आप बीटा ब्लॉकर्स लेते हैं फॉर ब्लड प्रेशर लाइक प्रोपानोलॉल, एटीनोलॉल, मेटोप्रिलॉल, दीज आर द वंस, ये जो ड्रग्स हैं इस वाल्व को लूज करके चलती हैं, तो एसिड हमेशा ऊपर की तरफ आता है। अगर ऐसा होगा तो आपको सीने में जलन होगी। देन देयर आर सर्टेन एंटी एंजाइटी ड्रग्स, पर्टिकुलरली द अल्प्राजोलाम ग्रुप ऑफ ड्रग्स एंड एंटी डिप्रेसेंट लाइक SSRI, अगर इस ग्रुप की आप दवाइयां लेते हैं तो भी आपको हार्ट बर्न होने की संभावना है। नाउ लुक एट योर हैबिट्स। अगर आप अल्कोहल ज्यादा लेते हैं, आप फैटी एंड फ्राइड फूड ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, आप चॉकलेट या पिपरमेंट जैसी चीजें ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, आप चाय ज्यादा पीते हैं, कॉफी ज्यादा पीते हैं, कार्बोनेट ड्रिंक्स ज्यादा लेते हैं, एंड फॉर दैट मैटर इवन सिट्रस फ्रूट्स ज्यादा लेते हैं या फ्रूट जूसेस ज्यादा लेते हैं, तो दीज आर 4 ग्रुप्स जो आपकी ईटिंग हैबिट्स में है जो आपको हार्ट बर्न या सीने में जलन लाने की ताकत रखते हैं। नाउ लुक एट द लाइफस्टाइल द अदर रिस्क। अगर आपको आदत है ज्यादा खाना खाने की, कि एक बार में लार्ज वॉल्यूम मील आप लेते हैं, अगर आपको आदत है कि लेट नाइट डिनर लेने की, से फॉर एग्जांपल यू स्लीप एट 12 o'clock एंड यू टेक अ लार्ज डिनर एट 11:30, आपको सीने में जलन होगी और ये प्रेशर के चलते खाने की जो नली है इसमें एसिड और खाना दोनों पलट के आएंगे। आपको स्मोकिंग या फॉर
फॉर दैट मैटर किसी भी रूप में टोबैको लेने की आदत है, तो निकोटीन बेसिकली इस वाल्व को लूज करता है, खाने की थैली में एसिड को बढ़ाता है, इन एसिड को खाने की नली में भेजेगा तो आपको सीने में जलन होगी। किसी भी कारण से आपको क्रॉनिक स्ट्रेस है तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन जिसके चलते हाइपर एसिड स्टेट होती है, इन खाने की जो नली है उसमें एसिड ऊपर की तरफ आता है। नाउ द क्वेश्चन इज के अगर हार्ट बर्न है तो डायग्नोसिस के लिए क्या किया जाना चाहिए। There are certain issues I want you to understand very clearly. हमारा उद्देश्य यह है सबसे पहले कि इसे हम कंफर्म करें कि आपको सीने में जलन क्यों हो रही है। नंबर वन, we want to exclude कहीं कोई सीरियस प्रॉब्लम तो नहीं है जो सीने की जलन की शक्ल में आ रही है। कभी कभी आपको हार्ट की प्रॉब्लम है वो सीने में जलन लेके आ जाती है, कभी आपको कोई मेलेग्नेंसी डेवलप होती है खाने की नली में वो आपको सीने में जलन लेके आ जाती है। हमें यह भी रूल आउट करने की जरूरत पड़ती है कि कहीं आपको पेप्टिक अल्सर डिजीज डेवलप तो नहीं हो रही जिसके चलते आप सीने में जलन महसूस कर रहे हैं, कहीं आपको कोई बिलियरी डिजीज तो नहीं है जैसे गॉलब्लैडर में स्टोन, गॉलब्लैडर में मैलिग्नेंसी जिसके चलते आपको सीने में जलन हो रही है। कभी हमें खाने की नली की मोटिलिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को भी एक्सक्लूड करना पड़ता है बिकॉज़ दे आर ऑल द कॉमन रीजन फॉर सीने में जलन। तो जो सीने में जलन है इट्स नॉट अ वेरी स्ट्रेट प्रॉब्लम कि आपने बोला कि मुझे हार्ट बर्न होता है एंड मैंने ये कंक्लूड कर दिया कि आपको सिर्फ एसिड है। एसिड के रूप में बहुत सारी दूसरी प्रॉब्लम्स हैं जो इस तरह का सिम्टम लेके आती हैं या आ सकती हैं। तो इसलिए अगर आपको सीने में जलन है या हार्ट बर्न है तो इट नीड्स इन्वेस्टिगेशंस सो दैट इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जा सके। नाउ लुक एट द ट्रीटमेंट कि ट्रीटमेंट के लिए वास्तव में हमारे पास में क्या ऑप्शन है। द फर्स्ट ऑप्शन एट द बेस वुड बी चेंज द लाइफस्टाइल एंड मॉडिफाई योर डाइट। अगर स्मोकिंग करते हैं तो बंद करिए, ओवरवेट है तो वेट को नीचे उतारिए, अल्कोहल ज्यादा लेते हैं तो अल्कोहल को लिमिट करिए, आपको आदत है लेट नाइट डिनर लेने की है तो आपके हैबिट को चेंज करने की जरूरत है और सोने से कम 3 घंटे पहले आपको डिनर लेने की जरूरत है। एंड अगर आपको बार बार नाइट टाइम जो इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं जो परेशान कर रहे हैं द बेस्ट इज कि आप अपना जो बेड है जिस तरफ आपका सिरहाना होता है जैसे फॉर एग्जाम्पल इस तरफ अगर आपका सिरहाना है तो इसको थोड़ा सा एलिवेट करके सोइए सो दैट यू डेवलप so that कि नाइट में ये जो एसिड है ऊपर की तरफ ना आने पाए। बट देर आर सर्टिन ओटीसी medicines which यू कैन ट्राई। ओटीसी means ओवर द काउंटर इन द सेंस कि आप जाएं मेडिकल स्टोर तो आपको एंटासिड्स मिल जाएंगे विच यू कैन यूज ऑन एसओएस बेसिस। जब भी आपको जलन होती है तो कोई भी एंटासिड डाइजिन जेलुसिल ट्राइकिन एनी एंटासिड यू कैन टेक 3 teaspoonful ऑन एसओएस बेसिस। लेकिन ये ट्रायल 2 हफ्ते से ज्यादा नहीं। अगर 2 हफ्ते आपने ये ट्राई किया इसके बावजूद भी बार बार आपको एसिड इन जलन हो रही है तो फिर आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है। बट बिवेयर इफ यू आर प्रेग्नेंट तो आपको एंटासिड्स कौन से लेने हैं अपने गायनेकोलॉजिस्ट से पूछ के चलिए बिकॉज देर आर सर्टेन एंटासिड्स जो प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। नाउ एज फार एज द मेडिकेशन आर कंसर्न जो हम यूज करते हैं वो हमेशा 3 कैटेगरी की मेडिसिन हैं। नंबर 1 कम्स द H2 ब्लॉकर्स, आपने नाम सुना होगा विद द नेम ऑफ रेनिटिडीन एंड फेमोटिडीन। दीज आर द बेसलाइन ड्रग्स जो हमारे एसिड को सप्रेस करती हैं और एसिड चूंकि नीचे आ जाएगा तो ऊपर की तरफ चढ़ेगा नहीं, ऊपर की तरफ चढ़ेगा नहीं तो आपको हार्ट बर्न नहीं होगा। द सेकेंड ग्रुप ऑफ मेडिसिन आर बेसिकली प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स और PPIs। These are very effective medications. They are there for nearly 30 years. They are considered to be very safe medicines. ये एसिड को सप्रेस करेंगे, खाने की थैली में एसिड बनेगा नहीं तो ये वाल्व में से ऊपर सीने की खाने की नली या इसोफेगस में नहीं आएगा तो आपको हार्ट बर्न नहीं होगा। एंड द थर्ड ग्रुप्स ऑफ मेडिसिन विच आर वेरी इंपॉर्टेंट आर बेसिकली द प्रोकाइनेटिक ड्रग्स। ये जो ड्रग्स हैं ये हमारी खाने की थैली और नली के बीच का जो वाल्व है इसको टाइटन करती हैं और खाने की थैली की स्पीड को बढ़ाती हैं सो दैट खाने की थैली में जो खाना है वो ज्यादा देर तक नहीं रहे। तो ये दोनों काम करेंगी, आपके खाने की नली और थैली के वाल्व को टाइट भी करेंगी सो दैट जो खाने की थैली है उससे ऊपर की तरफ एसिड या खाना ना आने पाए, प्लस खाने की थैली की स्पीड को बढ़ा देंगी सो दैट द फूड डज नॉट स्टे फॉर लॉन्ग इन द स्टमक सो दैट आपको रिफ्लक्स ना हो। नाउ ट्रीटमेंट अपनी जगह है बट हार्ट बर्न इज अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम सो आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड दैट हाउ कैन यू रियली प्रिवेंट। देर आर सर्टेन थिंग्स विच आर एब्सोल्युटली नो नो। टोबैको इन एनी फॉर्म और स्मोकिंग इज एब्सोल्युटली नो नो। टाइट फिटिंग क्लोथ्स जो टाइट पहनते हैं दे आर एक्चुअली नो नो। जो लार्ज मील्स हैं दे आर नो। आपको स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स की आदत डालना चाहिए। आप जल्दबाजी में खाना खाते हैं तो आपको खाने की स्पीड कम करने की जरूरत है। इन आपको खुद ये पहचानने की जरूरत है ऐसी कौन सी चीजें हैं जो वास्तव में इस सिम्टम को ट्रिगर करती हैं, इन उन चीजों को आपको अलग करने की जरूरत है। साइंटिफिकली इट इज द फैक्ट कि अगर
आप अपना 5-10% वेट रिड्यूस कर लेते हैं तो जो जीईआरडी है उसकी सिम्टोमेटोलॉजी ऑलमोस्ट 70% डिसअपीयर हो जाती है। तो अगर आप ओवरवेट हैं या ओबीस हैं तो आपको वेट लूज करने की जरूरत है। आपको ध्यान देने की जरूरत है कि नाइट टाइम में अगर सिम्टम्स आ रहे हैं तो आपको लेट नाइट डिनर लेने की आदत को बंद करना चाहिए। जैसा मैंने अभी कहा कि आपको अपना जो बेड है उसका हेड एंड थोड़ा सा रेज करके चलना चाहिए। एंड एसिड को बढ़ाने में स्ट्रेस सबसे ज्यादा मदद करती है, तो इसलिए ऐसी कोई चीज जिसके चलते स्ट्रेस है तो उन चीजों को धीरे धीरे अलग करिए, एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन, सो दैट एसिड का लेवल ऑलमोस्ट नॉर्मल रहे, सो दैट इट डज नॉट कम इनटू द खाने की नली। नाउ अगर हम ध्यान से देखें जो हार्ट बर्न को, तो इट्स अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम। देयर आर मल्टीपल मिथ्स कि आपको सीने में जलन होती है तो आपको हजार सलाह मिलती है। कोई बोलता है ठंडा पानी पीजिए, कोई बोलता है गुनगुना पानी पीजिए, कोई बोलता है दूध पीजिए, कोई बोलता है पुदीना पीजिए, कोई बोलता है इस तरह की चाय पीजिए। डोंट गेट कंफ्यूज, इससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इट्स ए डिजीज, इट्स ए बायोलॉजिकल जो है ना प्रॉब्लम, और अगर ये प्रॉब्लम आपको परसिस्ट कर रही है, बार बार हो रही है, तो आपको कुछ चीजें ध्यान देने की जरूरत है। अगर बार बार हो रही है तो आप जो ना हार्ट बर्न की एक डायरी मेंटेन करिए कि आपको हाउ फ्रीक्वेंटली दिस इज, डे में है कि नाइट में है, और खाने से इसका क्या रिलेशन है। आइडेंटिफाई दी ट्रिगर्स के क्या चीज खाने में ऐसी है जिसके चलते ये प्रॉब्लम हो रही है। एडॉप्ट द लाइफ स्टाइल जो अभी मैंने बात की, आप अपनी लाइफ स्टाइल डाइटरी हैबिट्स को चेंज करिए। इसके बाद भी प्रॉब्लम है तो थोड़ी सी ओटीसी मेडिसिन जैसे एंटासिड्स हैं उनको यूज करके देखिए। एंड इसके बावजूद भी आपके सिम्टम्स डिसअपीयर नहीं हो रहे हैं या सिम्टम्स बार बार आ रहे हैं तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, बिकॉज एट टाइम्स जो हार्ट बर्न है इट मे बी एन इंडिकेशन ऑफ अ सीरियस डिसऑर्डर इनसाइड विच नीड्स इन्वेस्टिगेशंस, विच नीड्स ट्रीटमेंट। सो डोंट टेक दीज मेडिकेशंस और ओटीसी मेडिकेशंस फॉर लॉन्ग। अगर आप समझते हैं कि हार्ट बर्न की इस प्रॉब्लम को समझने के लिए ये वीडियो आपको मदद करता है, इन हेल्प, देन आई वुड सर्टेनली रिक्वेस्ट यू दैट यू शुड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स सो दैट दे कैन बी बेनिफिटेड। थैंक यू वेरी मच।